नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम आज शुरू करने जा रहे हैं टेंपल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला। तो मंदिर कैसे बनते हैं भारत में, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मंदिर का विकास कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, भारत में मंदिर का विकास मुख्यतः मौर्य काल का माना जाता है, और मौर्य काल के दौरान, सॉरी, गुप्त काल के दौरान माना जाता है, गुप्त काल के दौरान माना जाता है। और इस दौरान मंदिरों का विकास शुरू होता है, लेकिन अपनी उत्कृष्ट पे तब नहीं पहुंचता। उत्कृष्ट पे पहुंचने में इसको समय लगता है, और जब ये समय लगता है काफ़ी, तो इस दौरान जब भारत छोटे छोटे राजाओं के अधीन आ जाता है, भारत कई हिस्सों में कई राजा अलग अलग राज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान ये अपने उत्कृष्ट पे पहुँचता है। तो जैसे कि खजुराहो में चंदेल रहते हैं, तो वहाँ खजुराहो टेम्पल जो बनते हैं वो अपने नागर शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर माने जाते हैं। उससे पहले हम कुछ मंदिर देख लेते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा कि हम इनके आर्किटेक्चर को कैसे पढ़ेंगे। यह पहला मंदिर देखिए, खजुराहो का मंदिर है, ये कंदरिया महादेव बोलते हैं इसको। देखिएगा इस मंदिर को, इसके आर्किटेक्चर देखकर आप इम्प्रेस हो रहे होंगे, और ज़्यादा इम्प्रेस होंगे जब आपको पता चलेगा 8-9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था इसको। दूसरा मंदिर देखिए आप, ये द्रविड़ शैली का है, विरूपाक्ष टेम्पल बोलते हैं इसको, हम्पी का। तो ये मंदिर है, इनमें अंतर है, अंतर अभी आप पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से इनकी डिफरेंस पता कर लेंगे। तो देखिए, भारत में मुख्यतः मंदिर माने जाते हैं दो टाइप के, नागर शैली जो कि मुख्यतः उत्तर भारत में की वो है, और द्रविड़ शैली जो दक्षिण दक्षिण भारत की हैं। कुछ लोग वेसर शैली को भी तीसरी शैली के मुख्य शैली के रूप में इंक्लूड करते हैं। हालांकि जो वेसर शैली है, सिर्फ चालुक्य रियासत जो है वहीं पाई जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं कि हमें कितने मंदिर आर्किटेक्चर पढ़ने हैं। तो ये देखिए, नागर शैली की सबसे की खुद की भी तीन शैली हैं, तीन पार्ट में है, ये तीन शैलियाँ हैं यहाँ पर, 1, 2, 3। कौन कौन है हम पढ़ेंगे जब, तो हम जान जाएंगे। और दूसरा है द्रविड़ शैली, अभी हमने देखा उसकी खुद की भी उसकी शैली है, पल्लव और चोल वगैरह। नायक शैली पढ़ेंगे हम उसके बाद, और वेसर शैली हमने पता की थी अभी, होयसाल डायनेस्टी एक थी, उसने भी कुछ भगवान शिव के मंदिर बनवाए हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। विजयनगर काल के दौरान जो कला विकसित हुई, और पाल शैली। तो इतनी शैलियाँ हमको पढ़नी है, 3, 4, 5, 6, 7 शैलियाँ पढ़नी मंदिर निर्माण की, और 7 तो हमें करनी है। तो हमें 7 तो करनी है, ठीक है। अब हम शुरू कैसे, कहाँ से करें इस मंदिर के आर्किटेक्चर को? तो आपको कोई मकान बनना है, तो आप पहले प्लाट देखते हैं, उसकी नपाई करते हैं, कहाँ से क्या बनना है इसका ध्यान करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको कौन बताता है? ये सब आपको आर्किटेक्टर जो जो आर्किटेक्ट होता है वो बताता है आपको। उसी तरह हमारे यहाँ मंदिरों के निर्माण के लिए, वैसे भी हमारा पुरातन में जो आर्किटेक्ट की जो का जो प्रमुख शास्त्र था, तो उसका नाम था वास्तु शास्त्र बोलते थे उसको। तो ये जो है उसमें मंदिर निर्माण का वास्तु, इसको बोलते हैं वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। वास्तु पुरुष मंडल आप यहाँ देख लीजिएगा, लिखा मैंने लिखा है वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं इसको। ईस्ट डायरेक्शन इधर रहती है इसके, वेस्ट इधर, नॉर्थ से साउथ इधर, इस तरह से देख सकते हैं आप। इसमें जो सबसे अंदर है, जो इस स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रह्मपाद, ठीक है। तो ब्रह्मपाद बोलेंगे। और उसके बाद ये जो ब्लैक वाला है, इसको बोलेंगे देवपाद, ठीक है। तीसरा मनुष्यपाद, फिर पिशाचपाद, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब देखिए क्या होता है, एक मंदिर में आपको एग्जाम्पल मिली, ये है मंदिर हम देखते हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए, या ये हमारे हो गए जो हमारे मुख्य देवता हैं, जिनका जिनके लिए हम मंदिर स्थापित करने जा रहे हैं। तो इसे गर्भगृह बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सेंटर सेक्टोरम बोलते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा इसको, गर्भगृह हिंदी में बोलते हैं, ये हिंदी गृह। तो ये गर्भगृह है इसका, देखिए गर्भगृह से आप एक परपेंडिकुलर डालें, लंबवत डालें, तो ये ऐसे हो रहा है। हाँ, तो गर्भगृह के एकदम मध्य से ये जो जो है ये इसका, यहाँ पर हमें कोई त्रिशूल या कोई झंडा वगैरह यहाँ पर लगाएंगे, बाद में देखेंगे अभी हम। तो ये तो हमारा जो हमने बात की पता की थी अभी, कि हो गया ब्रह्मपाद। उसके बाद आता है अगला देवपाद। हाँ, ब्रह्मपाद में तो भगवान स्थापित रहेंगे, देवपाद में गुरु पुजारी वगैरह होंगे जो वो लोग जाएंगे इसके अंदर। तो ये देवपाद, देवपाद से सीधे ऊपर
की तरफ हम चले जाएंगे, वहां मंदिर स्थापित होगा। यहाँ भी ऐसा ही है, ये यहाँ पे गर्भगृह हो गया, उसके ऊपर ये देवपाद, और देवपाद से सीधे ऊपर हम मंदिर स्थापित करेंगे। तो उतने देवपाद तक में ही हमारा मुख्य मंदिर होता है। उसके बाद मनुष्यपाद आएगा, मनुष्यपाद उसके बाद पिशाचपाद। तो मनुष्यपाद जो होगा हमारा वो काफी बड़ा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब पिशाचपाद उसके बाहर, तो अब हमने इसको जाना और ये हमको पता चल गया कि बेसिक तरीके से हम प्लॉट कैसे करते हैं। अब मंदिर हिंदू जो हमारे हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या करते हैं, हम मंदिर को हमेशा एक कुछ इसका वो बनाते हैं, नींव नींव टाइप का बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जगत, जगत बोलते हैं इसको, जगत जगती बोलते हैं कहीं कहीं। तो नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा है, साउथ में थोड़ा कम रहता है ऊंचा। उसके बाद जगती बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ एक और ऊंचा करेंगे, उसके ऊपर हम मंदिर बनाते हैं, जो हमारा वो वास्तुशास्त्र वाला वो था पूरा स्थापित करेंगे यहाँ पर। तो उसी हिसाब से मंदिर को बनाएंगे, उसके ऊपर ये हमने देवता स्थापित किए, उसके ऊपर देवपाद के ऊपर से हम उतने में हमारा मंदिर हो गया देवपाद में। और उसके ऊपर हम जो ऊपर वाला जो इलाका है इसको बोलते हैं शिखर, जो ये हम यहाँ तक जो हमने लेके गए ऊपर तक, इसको बोलते हैं शिखर। और साउथ इंडिया में द्रविड़ आर्किटेक्चर है वहाँ इसको बोलते हैं विमान, ठीक है। और उसके बाद ये अम्बा ये जो गोल गोल सा था इसको अम्बालिका बोलते हैं, अम्बालक सॉरी, और यहाँ पर इसको कैप्स्टोन बोलते हैं। और क्या होता है कि ये तो हमारा मुख्य मंदिर हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये गैप होता है, इसको अंतराल बोलते हैं। उसके बाद आता है मनुष्यपाद। तो क्या होता है नॉर्थ इंडिया में इसको इसको भी मंडप मंडप के रूप में रखते हैं, इसको मुख्य मंडल मंडल अर्ध मंडल करके नाम होते हैं, कि तीनों का बेसिकली मंडल ही है, मंडप ही है तीनों, ठीक है। साउथ इंडिया में यहाँ पर मंडप जो होता है फ्लैट होता है, यहाँ मंडप भी आकृतियों में रहता है कई, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर समझ में आने लग गया होगा। अब इसी में थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ बाकी जो हमारी और कलाएं होंगी वो भी इसी तरह विकसित होंगी, ठीक है। अब देखिए आगे, एक सेकेंड, हाँ अब हमने इसको आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब ये नागर शैली का मंदिर देखिएगा, यहाँ पर ब्रह्म जो शिखर है वो कैसा है, वक्राकार है, कर्व कर्व कर्व्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पिरामिड के आकार का है, ठीक है। अब वेश्या शैली में दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, अब चलिए अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये मंदिर एक दिन में विकसित हो गया, तो ये कई चरणों में विकसित हुए। तो वो चरण कौन से थे हमें वो जानना होगा। तो उसके उन चरणों के बारे में हम जानते हैं। पहला चरण जो है उसके जो मंदिर के अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं सांची में, मिलता है पहले चरण का मंदिर, ये सांची का मंदिर है, एक छोटा सा है। तो यहाँ पर क्या है मंडल सप मन जो मंदिर की छत है वो सपाट है, हाँ। और मंदिर जो का जो ये छे ये जो पूरा है जो मैंने देखा था वो वर्गाकार है, और क्या नाम है मंडप जो है ये इसका मंडप, या मंदिर तो ये अंदर है, ये मंडप है इसका। तो ये कोई इसके ऊपर कोई कलाकारी नहीं की गई है, ठीक है। और जगती का निर्माण शुरू हो चुका है, जो जगती है ये निर्माण शुरू हो चुका है, ठीक है। ये हो गया पहले चरण में, पहला चरण है अभी। तो दूसरा चरण का मंदिर कहाँ है, दूसरे चरण का मंदिर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो एक मंदिर इसमें हम देखेंगे गुप्त एम्पायर के समय ही विकसित हुआ ये भी। तो इसमें गर्भ इसमें इसमें क्या अंतर है एक चित्र इसका देखते हैं। इसमें पहले वाले में सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, इसमें सीढ़ियाँ हो गई हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर काफ़ी बाउंड्री वगैरह देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से विकसित हुआ। तीसरे राउंड में क्या होगा, दशावतार मंदिर देखा क्या, ये दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर देवगढ़ में है, ठीक है, बेतवा ललितपुर में आता है। तो याद रखिएगा दशावतार मंदिर यूपी में है, ठीक है। सांची वाला हमने उससे पहले देखा था, फर्स्ट वाला ये दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर ये आप देख रहे हैं इमेज में, दिख रहा है आपको दशावतार मंदिर है। और उसके बाद अब ये आखिरी चरण आएगा, चौथा चरण सॉरी, इसमें क्या है ये मंदिर आप देखिए, हाँ
इसमें जो ये शिखर है, शिखर बनना शुरू होगा, ठीक है, शिखर शुरू होगा चौथे में। अब प्लेटफॉर्म वगैरह तो ऊंचा था ही पहले से। अब एक चीज और है, पंचायतन शैली विकसित होगी। पंचायतन में क्या होता है, एक मुख्य देवता होंगे और उनके साथ कुछ और देवता भी रखे जाएंगे, ठीक है, पांच मंदिर। तो इस तरह से पंचायतन शैली इसको बोलते हैं। इसका एक मंदिर 13 टेम्पल है सोलापुर महाराष्ट्र में, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, एक सेकेंड, हाँ ये मंदिर देख, ये देखिए, ये बिहार में राजगीर में मंगलियार कर मनिहार मठ है, मनिहार मठ, ठीक है, मनिहार मठ। तो इसमें क्या है, इसमें जो इस क्या हुआ कि बाहर की ओर उथले आयताकार किनारे वाले वृत्ति मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है, वृत्ति सर्कुलर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब बाकी चीज़ें तो वही देखिए, सीढ़ियाँ हैं और जगती है, वो सब तो है ही है। तो इस तरह से मंदिर के शुरुआती चरण उत्तर भारत में विकसित हुए। दक्षिण भारत में भी चीज़ें चल रही थी इसी तरह से, लेकिन अभी वो अपने उत्कर्ष पे नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ से इस स्थिति में आ गए हैं कि मंदिर के निर्माण किस तरह से किया जाता है, क्या सोचा जाता है उसमें। हमने पुरुष मंडल भी देख लिया, तो हमारे लिए अब चीज़ें पढ़ना समझना आसान रहेगी। तो अभी अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम उसमें नागर शैली पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ और, हमने वैसे पाठ तो कर लिए हैं, शिखर मंडप वाहन ये सब देख लिए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो बात नहीं बनेगी। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब इसका नागर शैली पे पढ़ाई करेंगे, नागर शैली पढ़ेंगे।